क्या कर रहा है? दिन जाता है, इतनी पुरानी मूवी भाई, क्या क्लासिक है, दूसरी बार देख रहा हूँ, तुम्हें तो एक मजा आएगा। प्रीति का ऑर्डर लग रही है ना? हाँ यार भाई, ऑर्डर भी बहुत लग रही है। क्या करूं मैं इस लड़के का? किसका भाई? यही आपके बेटे का। क्यों, क्या कर दिया? शादी की बात ही नहीं करना चाहता है। शादी में रिश्ता करोगी कैसे ही शादी? देखो ना कितने अच्छे घर से रिश्ता आया शर्मा जी के यहाँ। शर्मा जी, आप उससे बात करो पहले। मैं बात कर लूंगा। हाँ अभी आप फोन पे बात करो। अच्छा मैं बात कर लूंगा, लेकिन आप बीच में कुछ नहीं बोलोगे? मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ। आप बात करो। ओके हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटा रोहन, क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं पापा, मूवी देख रहा था। एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। अरे पापा नहीं, अभी मेरी मम्मी से बात हो गई है शादी के लिए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। अभी रेडी नहीं हो तो बेटा कब रेडी होगे? अरे पापा अभी सिर्फ मैं 25 साल का हूँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। हाँ बोल। अरे बेटा मैं जब 25 साल का था तब हमने तुम्हारा दूसरा जन्मदिन मना लिया था, और उसमें रेडी क्या होना, एक अच्छा रिश्ता है बेटा, एक बार आप लड़की को मिल लो, देख लो, फिर डिसाइड कर लेना। अरे नहीं पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी भी अनजान लड़की से मिलना या उसके मम्मी पापा से मिलना, और अभी नहीं प्लीज, 2-3 साल बाद जब मैं रेडी होऊंगा मैं सोचूंगा। रेडी नहीं हूँ, 2-3 साल बाद सोचूंगा शादी के बारे में। अरे बेटा शादी में देर नहीं करनी चाहिए, टाइम से कर लेनी चाहिए। अच्छा सुनो बेटा, तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो हमें बता दो, हम उसके मम्मी पापा से बात कर लेंगे। अरे पापा ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। अरे ऐसा कुछ नहीं है तो कैसा है, हमें बता दो। चलो कोई नहीं, ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लड़की बहुत संस्कारी है। अरे यार अपने शर्मा जी की भतीजी है। अरे पापा शादी के टाइम सभी लड़कियां संस्कारी हो जाती है। अरे लड़की बहुत सुंदर है, गुड्डी की शादी में हमने देखा था, खूब सुंदर है लड़की। अरे पापा शादी में सभी तैयार और सुंदर होके आते हैं। तेरी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, लास्ट ईयर अपने कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो विनर रह चुकी है बेटा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विनर? हाँ बेटा बहुत सुंदर है लड़की, एक बार देख लो। नाम क्या है? नाम किसका नाम? अरे लड़की का। शालिनी बेटा, शालिनी। शालिनी भाई, प्रीति जिंटा। अबे पूरा नाम पूछ, पूरा नाम। पापा वो पूरा नाम क्या है लड़की का? शालिनी शर्मा बेटा। शालिनी शर्मा, शालिनी शर्मा की बहुत सारी लड़कियां, तू और कुछ पूछ, क्या करती है, कहां पढ़ती है? पापा वो कौन से कॉलेज में पढ़ती है शालिनी? कॉलेज तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। भाई 8 मैच मिल गए, थोड़ी सी और, भाई थोड़ी सी और डिटेल निकाल बस थोड़ी सी। पापा मतलब वो क्या करती है, हॉबीज उसकी, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ, हॉबी तो हमें कैसे पता होगा, लेकिन इतना पता है लड़की गिटार बहुत अच्छा बजाती है। गिटार? गिटार बजाती है? गिटार? वाओ अमेजिंग भाई, वाओ भाई, वाओ। कुछ नहीं। क्या रोहन? कुछ नहीं पापा। अरे और कुछ बताऊं क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं पापा। अगर तू बोल देता तो मैं शादी की आगे बात करता, पर छोड़ रहने दे, अभी तू ऐसे भी शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं नहीं पापा ऐसा नहीं है। अरे पापा लड़की अगर संस्कारी है तो हमें दोबारा सोच लेना चाहिए ना। संस्कारी? तुझे कैसे पता चल गया कि लड़की संस्कारी है? अभी तो आपने बोला कि लड़की संस्कारी है।
तूने भी तो कहा कि हर लड़की शादी के टाइम संस्कारी बन जाती है। पिक्चर में भी संस्कारी। अरे पापा पिक्चर में भी तो लड़की संस्कारी लग रही है। पिक्चर कौन सी पिक्चर? अरे कुछ नहीं पापा। क्या बोले रोहन? अरे पापा मैं ऐसा बोल रहा था कि लड़की अगर सुंदर दिखती है तो फिर एक बार हमें मिल लेना चाहिए। अभी तो तू बोल रहा था कि किसी लड़की या उसके परिवार वालों को मिलने में तुझे अजीब लगता है। अरे नहीं पापा लेकिन शादी में अभी देर नहीं करनी चाहिए। ये तो मैं तुझे बोल रहा था। हाँ पापा सही कह रहे हो। अरे तेरी आवाज को क्या हो गया? अरे पापा कुछ नहीं हुआ। तो हम लड़की वालों से बात आगे बढ़ाए? वो तो अब जैसा आपको ठीक लगे। जैसा हम ठीक समझे। ठीक से बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बेटा तो हम आगे बात करते हैं। करते हैं ना पांच नंबर तुम्हारे बेटे को सीधा। रहने दो मेरा बेटा आपकी तरह शातिर नहीं है। शातिर नहीं है तो क्या मामा भैया है? ओह आप भी ना। चलो काम हो गया बेटा हाथ से गया।